रामू ये ले 3 लाख रुपए और अपने मालिक को रास्ते से हटा दे। अरे मालकिन, आप ये कैसे बात कर रही है? भला मैं अपने मालिक को क्यों मारूंगा? ज्यादा सवाल जवाब मत कर और ये पकड़ 3 लाख रुपए और काम खत्म होने के बाद 2 लाख रुपए और दे दूंगी तुझे। मालकिन, मैं सांप को मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। उनकी वजह से तो मेरा घर चलता है। घर चलाने के लिए तुझे लाखों रुपए दे तो रही हूँ और वैसे भी अगर तू नहीं मारेगा तो उसे मैं मार दूंगी, इल्जाम तुझ पे लगा दूंगी। जेल तो तुझे वैसे भी जाना ही है, अब तू सोच ले। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे जेल मत भेजना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। काम होने के बाद मैं तुझे मालामाल कर दूंगी और तू अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चले जाना। मालकिन, कोई पुलिस का लफड़ा तो नहीं होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, तू जा और मर्डर की तैयारी कर। अरे माही, तू रामू के साथ यहाँ क्या कर रही है? अरे राकेश, वो मैं इससे सफाई करवा रही थी। ये ठीक से सफाई नहीं करता है, बहुत काम चोरी करता है आजकल। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। सच सच बता दो, क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? राकेश, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, वो भी इस नौकर के साथ? अच्छा ऐसा नहीं है, तो फिर दरवाजा बंद करके कौन सी सफाई हो रही है यहाँ पर? राकेश, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपनी हद में रहकर बात करो। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वरना क्या करूंगी, क्या करूंगी ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले तुम ये बताओ कि तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे कैसे लगाया कि इस नौकर के साथ मेरा चक्कर चल रहा है? माही, ज्यादा भोली मत बनो, तुम दोनों रूम के अंदर क्या खिचड़ी पका रहे थे वो मुझे सब पता चल गया है। सॉरी माही, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नौकर के हाथ तुम मुझे मरवाना चाहती थी ना? हमारा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। रामू, पकड़ इसे और इसका खात्मा यहीं कर दे। रामू, सुना नहीं तूने मैंने तुझसे क्या कहा? रामू तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मेरा वफादार है। बेबी, आज तो मैं मेरे पति को रास्ते से हटाने वाली हूँ और ये काम मैं अपने नौकर से करवाऊंगी, और अगर वो नहीं माना तो उसे लाखों रुपए का लोभ दूंगी। ठीक है बेबी, मैं फोन रखती हूँ। मालिक, मुझे आपसे मालकिन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मालकिन आपको मरवाना चाहती है। रामू क्या बकवास कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझा? मालिक एक बार आप मेरे पे विश्वास करके तो देखो। चल ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझा? और तभी से मैंने तुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया था और घर में सभी जगह कैमरे लगा दिए जिसमें तेरी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी है। रामू साले धोखेबाज, मैं तेरी जान ले लूंगी। मालकिन, आप चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं सांप के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। माही, अब जेल में करना अपनी प्लानिंग, और मैंने पुलिस को पहले से ही कॉल कर दिया है, आती होगी अभी। नहीं, ये हम दोनों की आपस की बात है, प्लीज तुम इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता माही, पुलिस तो आ चुकी है।